नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार कैसे हुआ? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि इस बॉल पेन की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, बॉल पॉइंट का पहला नमूना आज से लगभग 80 साल पहले आविष्कार किया गया था, लेकिन सन 1943 तक आज के जैसा सफल बॉल पॉइंट पेन नहीं बनाया गया था। उन्हीं दिनों में अमेरिका की वायुसेना ने एक सबसे अलग प्रकार के पेन की मांग की थी, जो वायुयान कर्मचारियों द्वारा उड़ते हुए हवाई जहाजों में प्रयोग में लाया जा सके। उनको एक ऐसे पेन की जरूरत थी जो ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में दबाव के कारण स्याही ना छोड़े, तो यह काम सिर्फ बॉल पॉइंट पेन ही कर सकता था। वायुसेना की इस मांग के बाद बॉल पॉइंट पेन का विकास किया गया। फिर इसके बाद यह पेन इतना प्रचलित हो गया कि इस पेन का उपयोग आम जनता भी करने लगी। बॉल पॉइंट पेन का ढांचा किसी धातु या प्लास्टिक से तैयार किया जाता है। इसमें एक टोपी, स्प्रिंग, स्याही की रिफिल और रिफिल में लगी हुई धातु की एक छोटी सी गोली होती है। इसकी टोपी लिखने वाले बिंदु को सही रखती है। स्प्रिंग की सहायता से लिखने वाले बिंदु को ऊपर नीचे किया जाता है। स्याही की रिफिल प्लास्टिक से बनाई जाती है जिसमें स्याही भरी होती है। बॉल पॉइंट पेन में उपयोग में लाई जाने वाली स्याही में कुछ अनोखे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे यह स्याही बहुत गाढ़ी हो जाती है। यह स्याही पेन से लीक नहीं करती। इसकी लिखावट ऐसी होती है जो बिना टूटी लाइनें खींचता है। इस पेन के हमें कई लाभ हैं। इसके प्रयोग में हमें दवात की जरूरत नहीं होती है और न ही स्याही को सुखाने के लिए सूखा कागज की जरूरत पड़ती है। इस पेन से हम तेजी से लिख सकते हैं। इसकी स्याही कभी फैलती नहीं है और न ही इस पर पानी का प्रभाव पड़ता है। इसके प्रयोग के नुकसान भी हैं। इस पेन की तरह अक्षरों को अपनी इच्छा के अनुसार मोटा पतला नहीं कर सकते। इस पेन से लिखने पर हाथ को अधिक दबाव लगाना पड़ता है, इसीलिए लिखते लिखते आदमी थक जाता है।